नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक बिल्कुल साधारण सी इन्फॉर्मेशन देने के लिए जा रही हूँ, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने की, शुक्र को प्रसन्न करने की। शुक्र यदि आप पर प्रसन्न रहे, खुश रहे, तो कभी भी घर में धन की कमी नहीं होगी। सौंदर्य आपका दिव्य स्वरूप का होगा। शुक्र यदि आप पर प्रसन्न है तो व्यक्ति बहुत सौंदर्यवान होता है। शुक्र के साथ यदि आपके सूर्य बैठे हैं तो आपका व्यक्तित्व सुंदर होने के साथ एक शक्तिशाली व्यक्तित्व भी आपका दिखाई देगा। शुक्र के साथ यदि आपके बुध बैठे हैं तो आपका चेहरा सुंदरता के साथ साथ बुद्धिमान भी दिखाई देता है। यदि चंद्र बैठे हैं तो आपके चेहरे में सुंदरता ऐसी होगी जो बिल्कुल शांत होगी। आप देखो, सुंदरता बहुत प्रकार की होती है ना? तो इस उपाय को करने से सौंदर्य आपका बढ़ेगा। किसी को कोई सुंदरता पसंद है, किसी को कोई और सुंदरता पसंद है। जैसे किसी को गुरु प्रधान सुंदरता पसंद है। जब आपके शुक्र मजबूत होंगे और साथ में गुरु पड़े होंगे तो आपके सौंदर्य में आपका आपकी बुद्धि का प्रमाण, आपकी आपका ज्ञान ज्यादा दिखाई देगा। आपके चेहरे पर ज्ञान की गहराई दिखाई देगी, है ना? किसी लोगों को कोई चंचल सुंदरता पसंद है, किसी लोग कुछ लोगों को शांत सुंदरता पसंद है। तो सुंदरता सबकी अपनी अपनी, सबका सुंदरता का अलग अलग डेफिनेशन होता है। आप देखो, कुछ लोग जिनको देख करके आप बिल्कुल अपना, आपका चेहरा अजीब हो जाएगा कि ओह ये, कुछ लोगों को वो लोग प्राण से भी ज्यादा प्रिय होते हैं। तो सुंदरता की सबकी एक अपनी अलग अलग डेफिनेशन है, लेकिन ऐसी सुंदरता जो सच में सबका मन मोह ले, जिसको हम कह सके कि हाँ ये सच में सुंदर है, ये तब होगा जब आपके शुक्र मजबूत होंगे। शुक्र मजबूत है तो आपके अंदर सुंदरता के साथ साथ आपके पास अतुलित धन होगा। इस चीज को आप लिख लो। यदि आपके शुक्र मजबूत है तो आपके पास सच में ओरिजिनल सुंदरता होगी जो सबको अच्छी लगे, और उसके साथ आपके पास धन होगा, जबरदस्त धनवानों में आपका नाम होगा। और ये छोटा सा टोटका, जो चाहते हैं कि हमेशा हम धनवान बने रहे, माता लक्ष्मी हम पर प्रसन्न रहे, तो शुक्रवार के दिन आप ये छोटा सा काम जरूर करें। पहले तो लाल और सफेद, इन दोनों में से कोई भी एक कलर के आप कपड़े पहने, या ऐसे कपड़े पहने जिसमें दोनों ही कलर का कॉम्बिनेशन हो। बराबर, जो महिलाएं हैं सिर पर जो बिंदी लगाती है मस्तक पर, वो लाल और सफेद कलर की मिक्स बिंदी लगाएं, या फिर सिर्फ लाल कलर की बिंदी लगाएं। इससे भी शुक्र मजबूत बनते हैं। शुक्रवार के दिन ज्यादा से ज्यादा गहने पहने शरीर में। शुक्रवार के दिन गलती से भी गहने उतारे नहीं, पहनते रहना है। शुक्रवार के दिन अगर आपने सोने की चीज कहीं बनने के लिए डाली है तो शुक्रवार के दिन उठाकर लाए और उसको पहन ले। और शुक्रवार के दिन लाल और सफेद दोनों कलर की चूड़ियों को मिक्स करें और अपने हाथ में पहने। लाल और सफेद कलर की मिक्स चूड़ियां हाथ में पहनने से आपके शुक्र मजबूत बनते हैं। मजबूत बनते हैं इन दैट सेंस कि आपके घर के अंदर भी चारों तरफ आपको शुक्र का प्रभाव दिखाई देने लग जाएगा। मीठी चीजों का दान करें, मीठी चीज जरूर खाएं। करके देखें, कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछें अवश्य। जय श्री कृष्ण।